हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो है सिंगोनियम के बारे में। एक ऐसा प्लांट है जो सभी लगाना चाहते हैं और बहुत ही कम केयर वाला प्लांट है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। तो जो कम देखभाल कर पाते हैं, जो ज़्यादा केयर नहीं कर पाते, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं अपने गार्डन में, उनके लिए बेस्ट प्लांट है। तो आज इसकी सारी केयर टिप्स बताने वाली हूँ, किस तरह से इसको ग्रो करें, किस तरह से इसको प्रोपगेट करें, सारी केयर टिप्स आज इसके बारे में बताऊंगी जो ज़रूरी हैं। आप उन केयर टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका सिंगोनियम आपके घर में हमेशा रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। तो देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं अभी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। तो देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सिंगोनियम होता है, इस तरह से होता है। देखिए, इसकी पत्तियां इस तरह से दिखती हैं, और ये परमानेंट प्लांट होता है और एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है। इस तरह से दिखता है सिंगोनियम। आप लोग, हो सकता है सभी लोग, ज़्यादातर लोग जानते होंगे इस तरह से इसकी लीफ होती हैं और बहुत सुंदर देखने में लगती हैं। देखिए, इस तरह से कुछ कुछ जैसे पान के पत्ते नहीं होते हैं, उस तरह से दिखती हैं। देखिए, तो इसमें वेराइटी की बात करूँ तो इसमें दो वेराइटी आती हैं। और जैसे एक ये ग्रीन वाला नॉर्मल हमेशा मिलता है, हर नर्सरी में आपको मिल जाएगा। और दूसरा आता है ये वाला। देखिए, इस तरह से इसकी लीफ पिंक निकलती है, बहुत प्यारा कलर है ये। देखिए, इस तरह से बहुत सुंदर, ये देखिए इसकी लीफ इस तरह से होती है, पिंक पिंक जब ये निकलती है, इतनी सुंदर देखने में लगती हैं। देखिए, इस तरह से होती हैं, तो ये बहुत सुंदर देखने में लगता है। देखिए, इस तरह से दिखते हैं। तो इसमें दो वेराइटी, अभी मेरे पास तो दो ही हैं, और आती हैं तो मुझे नहीं मालूम, दो तो आती हैं, दो तो हैं मेरे पास। तो इस बात करते हुए इसको कैसे लगा सकते हैं, आप कहाँ मिलेगा, आपको नर्सरी में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, हमेशा मिलता है, चाहे कोई भी सीजन हो, सिंगोनियम आपको हमेशा मिलेगा। इस समय गर्मी में बहुत मिलेगा, आपको हर नर्सरी में मिल जाए, ग्रीन तो हर नर्सरी मिल जाता है। ये हो सकता है जो नर्सरी, जो बड़ी नर्सरियाँ होती हैं ना, उनमें हो सकता है मिले, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलता है। तो आप जो आपकी एक्सपेंसिव कोई नर्सरी है, जो बड़ी नर्सरी जो वैरायटी रखते हैं, उनके यहाँ ये मिल जाएगा। तो नर्सरी से ला सकते हैं, या किसी के यहाँ लगा हो तो आप उसे कटिंग ले सकते हैं, उससे भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये इसके लिए बेस्ट टाइम है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इस समय, क्योंकि ये बेसिकली ये पूरा गर्मी बहुत अच्छा चलता है। इसके इसी से मैं बात करती हूँ, इसको कैसा मौसम पसंद है। वैसे पूरा समर वाला प्लांट है, लेकिन इसको बस जैसे कि ना बहुत ज़्यादा धूप या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद, तो जैसे बारिश में तो और भी अच्छा खिल के आता है। इसी से बात करती हूँ कि अगर आप लाते हैं या कटिंग लाते हैं तो कैसे लगाएं। इसकी सॉइल मीडिया की बात करती हूँ, तो सॉइल मीडिया इसकी ऐसी हो, वेल ड्रेन हो, मतलब इसको थोड़ा सा मॉइस्चर पसंद है, लेकिन पानी रुके ना, अदरवाइज ये ख़राब भी हो जाता है। वैसे इसको पानी में भी उगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी अगर दलदली है तो गलने का डर रहता है। तो पान मिट्टी ऐसी बनाए, वेल ड्रेन बनाए, मॉइस्चर बना रहे, लेकिन पानी रुके ना, जैसे आप पानी डालो निकल जाए, लेकिन हल्की सी नमी बनी रहे, इस तरह से इसको मिट्टी पसंद है। तो उसके लिए आप एक भाग मिट्टी ले लें, गार्डन सॉइल जो आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, हेल्दी हो, ख़राब ना हो। कई बार होता है ना, हम गमलों को यूज़ करते हैं, उसमें फंगस वगैरह आने लगती है ना, तो उसको सुखा लिया करें, तो वो मिट्टी रिचार्ज हो जाती है, फिर से यूज़ करने के लिए तैयार हो जाती है आपकी। उसके लिए एक भाग मिट्टी ले लें, आधा भाग ले लें उसमें कंपोस्ट, आधा भाग ले लें सैंड, और उसमें थोड़ी सी नीम खली मिला लें, थोड़ी सी बोन मील मिला लें, और थोड़ी सी फंगीसाइड जरूर डालें, इसमें फंगस लगने का डर रहता है, तो फंगीसाइड जरूर डालें, कोई भी जो आपके पास हो, नहीं है तो आप हल्दी पाउडर डाल दिया करें, बेस्ट होता है। तो इस तरह से आप मिट्टी सॉइल मीडिया बनाएं इसकी, और उसमें लगा दें, लग जाता है, बहुत ईजिली लग जाता है। तो इस तरह से आप लगा दो, जब भी लगाएं तुरंत लगा के ऐसी जगह रखें जहां ब्राइट लाइट हो, धूप में ना रखें, तो इजली लग जाता है और मॉइस्चर थोड़ा सा बना रहे। उसी से बात करते हैं इसकी पॉट की, कि इसको किस पॉट में लगाएं, कितना बड़ा साइज हो इसकी पॉट का। तो पॉट से आप इसके लिए पॉट किसी भी पॉट में आप लगा सकते हो, छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हो, बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हो, लेकिन जब भी छोटा पॉट, मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, अगर कोई प्लांट आप लाए हैं छोटा है तो छोटे में स्टार्ट करें। इसका तो ऐसा है, आप किसी में भी लगा दीजिए, बास्केट में लगा दीजिए, बहुत सुंदर लगता है जब इस तरह से ये नीचे को लटकता है ना, झुकता है, तो बहुत सुंदर देखने में लगता है इस तरह से। देखिए,
तो आप बास्केट में लगा सकते हो, छोटे पॉट में लगा सकते हो। अब ये मेरी देखिए, प्लास्टिक के पॉट में लगा सकते हो, मिट्टी के पॉट में लगा सकते हो, सेरेमिक में लगा सकते हो, किसी में भी लगा सकते हो। सेरेमिक में ये होता है कि थोड़ा जब पानी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी में जल्दी पानी सूख जाता है और उसमें हवा का भी सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, तो प्लांट हमको वो चिंता नहीं रहती कि हमारा प्लांट खराब हो जाएगा, गल जाएगा, इतना ज़्यादा उसमें मतलब खराब नहीं होता है मिट्टी के पॉट में। और सेरेमिक में ये प्रॉब्लम होती है, अगर आप पानी डाल रहे हैं, पानी सूखा नहीं है फिर भी डाल रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें ऊपर लगता है कि सूख गया है, नीचे वो गीला रह जाता है तो उससे खराब होने का डर रहता है। तो कोशिश करेंगे छोटे पॉट में ही लगाएं इसको, ज़्यादा बहुत बड़ा पॉट ना लें। देखिए अभी मेरा प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ देखिए कितना अच्छा है, ये देख रहे हैं आप। ये छोटे से पॉट में जो नर्सरी से आता है ना, 8 इंच का 6 इंच का जो पॉट होता है ना, वो वाला पॉट है, और इसमें देखिए पूरा भरा हुआ है। देखिए इस तरह से ग्रोथ होती है इसकी, इस तरह से। तो छोटे पॉट में लगाएं, आपको कम केयर करनी पड़ेगी, पानी की भी चिंता नहीं रहेगी कि ज़्यादा पड़ गया क्या, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इसे बात करती हूँ कि इसको धूप कैसी चाहिए, तो बहुत धूप नहीं चाहिए होती है इसको, अदरवाइज इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं। इसको ब्राइट लाइट चाहिए, या फिर सुबह की जहाँ धूप आती हो ना 1-2 घंटे की, वो काफ़ी है इसके लिए। उसमें बहुत अच्छा ये रहता है, हेल्दी रहता है, एकदम खुश रहता है। जब मैं रखती हूँ जहाँ मेरा ये सुबह की धूप आती है 1-2 घंटे की, उससे आपको बिल्कुल भी, अगर ऐसी जगह रखा तो आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पानी जैसा भी पड़ता है पड़ता रहे, ठीक रहता है, कोई ख़राबी नहीं आती। मेरा ये रखा रहता है, ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ पानी कम डाला जाता है जिस प्लांट के पास, तो ये धूप में अच्छा चलता है। लेकिन सुबह की धूप हो, 1-2 घंटे की काफ़ी है। बहुत तेज़ धूप में रखेंगे आपकी ये प्लांट जल जाएंगे, या फिर आप ब्राइट लाइट में रखें जहाँ धूप जा चुकी हो, जैसे ना धूप आती नहीं, इनडायरेक्ट सनलाइट जिसको कहेंगे ना, जहाँ धूप नहीं आती उधर रखें, या फिर सुबह की 1-2 घंटे की धूप में रखें, काफ़ी अच्छा चलेगा। ब्राइट लाइट पसंद है, आप इसको इंडोर रख सकते हैं, इंडोर बहुत अच्छा चलता है। लेकिन बीच बीच में, क्योंकि इंडोर रखने से ना कई बार लेगी लेगी से होने लगते हैं, तो अगर थोड़ा सा इसको धूप नहीं मिलेगी तो ये लेगी लेगी हो जाते हैं, फिर लंबे लंबे से बढ़ जाता है, तो इंडोर रख सकते हैं। बीच बीच में आप कभी कभी इसको रात को बाहर निकाल दें, जिससे कि इसको फ्रेश एयर मिले और अपना ये खाना बना पाए थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए, फिर अंदर रख सकते हो। तो इंडोर बहुत अच्छा है, डेकोरेशन के लिए अच्छा है। तो छोटे छोटे जैसे पॉट में आप लगाते हैं, इसका प्लस पॉइंट ये भी रहता है, आप कभी भी इसको इधर से उधर उठा के रख सकते हो, और किसी भी जगह किसी भी कॉर्नर में आप रखोगे तो उस एरिया को भरा भरा इस तरह से दिखेगा। और इसकी ये भी है, अगर आप इसमें स्टिक लगा देते हो, मॉस स्टिक जो होती है, तो ये ऐसे लंबे लंबा भी उसमें मनी प्लांट की तरह चढ़ जाता है इस तरह से। देखिए ये लंबा हो गया है, इसको सपोर्ट नहीं मिला फिर भी ये इतना लंबा हो गया, देख रहे हैं ये देखिए। तो ये अगर उसमें स्टिक लगा दोगे, मॉस स्टिक, तो उसमें ये राउंड राउंड चढ़ जाता है, बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। तो अंदर रखते हैं, तब आप मॉस स्टिक लगा दीजिए और ये किसी भी कॉर्नर में रख दीजिए, बहुत सुंदर देखने में लगता है। बस उसमें पानी के स्प्रे करते रहें, और उसकी जो मॉस स्टिक है हल्का सा उसमें मॉइस्चर बना के रखें, तो इसमें आराम से उसमें ये फंस जाता है। तो इस तरह से आप रख सकते हो, इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हो इसको, बस तेज़ धूप से बचाइएगा। तो अब बात करते हैं इसकी वाटर की, तो वाटर इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, देख के दें, जब मिट्टी सूख जाए तब दीजिएगा। कम पानी रहेगा खराब नहीं होगा, ज़्यादा पानी रहेगा तो कई बार ये गल जाता है, इसकी स्टेम्स नीचे से रूट रॉटिंग हो जाती है। तो पानी का ध्यान रखें, मैंने कहा जैसे मॉइस्चर इसको पसंद है, लेकिन मिट्टी दलदली ना हो, चिकनी वैसा ना हो जो चिकट जाती है, मतलब गीली रहे वैसे इसको पसंद है, नमी पसंद है। लेकिन पानी इसको देख के दे, जैसे अब देखिए मिट्टी इसकी नमी है, ये देखिए इस तरह से नमी रहती है, मिट्टी गीली है, ये मिट्टी इसको पसंद है एकदम। तो इस तरह से अब है जैसे, तो मैं शाम को इसमें डाल दूंगी, दिन भर ही अच्छी रहेगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। तो जब भी पानी दें देख के दें, थोड़ा सा नमी बनी रहे, बहुत ड्राई भी ना होने दें, लेकिन दलदली भी नहीं रहे, थोड़ा सूख भी जाएगी तो इसको नुकसान नहीं है, जब पानी सूख जाए तब दीजिएगा। तो अब बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन की, तो देखिए मैंने ये कटिंग से ही सब लगाया हुआ है, इसकी बहुत ईजिली कटिंग लग जाती है, कहीं से भी लगा दीजिए, ये नोड एरिया निकलते हैं, देखिए ये सारी इसमें रूट्स निकलती हैं, देख रहे हैं आप पास से, देख रहे हैं देखिए, तो बहुत ईजिली किसी भी मिट्टी में लग जाता है। ये मेरा सारा कटिंग का है, देखिए इसी में मैं लगा देती हूँ, उस कटिंग एक साथ लगाती रहती हूँ, देखिए ये बहुत सारी कटिंग लग जाती है, इसको कटिंग से लगा लीजिए आप, ईजिली लग जाता है, कहीं भी लगा दीजिए देखिए। और देखिए ये अभी एक मिनट, और इसको ये आप ना
और इसको आप पानी में भी ग्रोस कर सकते हैं। इस तरह से कटिंग काटिए, ये देखिए, और ये देखिए इस तरह से इसमें रूट्स आ जाते हैं, एरियल रूट्स बनती हैं इसमें। इस बताए ना मॉस स्टिक में भी आप इसको लपेट सकते हो, देखिए एरियल रूट्स हैं तो ये मॉस स्टिक में बहुत अच्छी तरह से फंस जाती हैं, तो ये बहुत हेल्दी रहते हैं। तो जब कटिंग ले तो ये नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए, हर नोड एरिया में ये रूट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो आप एक तो मिट्टी में लगा दीजिए, इसी मिट्टी में लग जाता है, पानी में भी इसकी कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है। पानी में तो वैसे भी आप जैसे आपको इंडोर रखना डेकोरेशन के लिए रखना है ना, जब आप मिट्टी में नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको पानी में डाल के रखिए, बस नीचे की एक दो लीफ हटा दीजिए। जब आप पानी में पॉट में जब पानी में आप डालेंगे प्लांट, तो नीचे की लीफ पानी में नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखिए बस, अदरवाइज वो फंगस आने का डर रहता है। तो इस तरह से आप काट सकते हैं, देखिए ये देखिए मैंने इसका एक गुच्छा निकाल लिया है, ये वाला पिंक वाले का, देखिए इस तरह से, तो ये मैंने कटिंग कर ली है, और ये देखिए इसके एरियल रूट्स भी है इसमें। तो इसको आप पानी में डाल के रख सकते हैं, टेबल पे भी रख सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से है ना, तो ये जब नीचे की मैंने कुछ रूट्स लीव्स निकाल दी हैं जिससे वो पानी में ना जाए, इस तरह से निकाल दें। और ये आप इसको, ये भी ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तो थी तो आ गई है एरियल रूट्स, अदरवाइज इसमें ये देख नोड एरिया होना चाहिए, इसमें हर नोड एरिया में रूट्स आ जाती हैं, ये वाली जो नोड एरिया होते हैं ना इनमें रूट्स आ जाती हैं। तो इसमें बस ऐसे डाल दीजिए और कहीं भी आप टेबल पे इसको रख सकते हो इस तरह से। ये फिर बस ये है कि आप दो तीन दिन में एक बार इसका पानी चेंज करते रहिए, तो ये बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है, महीनों चलता रहता है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। बस इसको कहीं भी आप इस तरह से रख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से चलता है। बस ब्राइट लाइट में रखिए, अंधेरे में मत रखिए। ब्राइट लाइट जैसे अभी यहाँ ब्राइट लाइट है आ रही है इस तरह से, ये एरिया सही, मैं आज अंदर ही वीडियो बना रही हूँ बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैं आज अंदर ही बना रही हूँ, तो ये ब्राइट लाइट है। अब ऐसी लाइट में बहुत अच्छी तरह से ये चलता रहता है, अंदर ग्रोथ कम होती है, बहुत स्लो हो जाती है ग्रोथ, बाहर तो क्योंकि उसको खाना बनाने को मिलती, धूप मिलती है, एयर मिलती है, तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है, अंदर ग्रोथ कम होगी लेकिन लगा रहेगा, तो ये ध्यान रखिए। तो पानी में आप इस तरह से लगा के रख सकते हो, और फिर कुछ दिन में ना नई नई रूट्स आ जाती है, लेकिन पानी चेंज करते रहें, दो तीन दिन में पानी चेंज जरूर करें स्टार्टिंग में, फिर बाद में आप पाँच छः दिन में कर सकते हो, स्टार्टिंग में दो तीन दिन में कर दें क्योंकि पानी सड़ने लगता है, फिर वो गल जाएगा अगर पानी आप चेंज नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा पानी भरने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप डुबा दो, यहाँ तक जैसे ये देखिए मैंने हाफ भरा है इतना बस, उसकी रूट्स डूब जाएँ और थोड़ी सी स्टेम जो उसका नोड एरिया है ना वो वाला डूब जाए बस, बहुत अच्छा चलता रहता है, फिर आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सुंदर देखने में लगता है। देखिए इसका कलर कितना प्यारा है, पिंक है, थोड़ा सा ना अलग सा पिंक है, थोड़ा सा पिंक पर्पलिस पिंक टाइप, बहुत सुंदर कलर। और इसकी पीछे का देखिए ग्रीन रहता है, ये देखिए इस तरह से कलर रहता है इसमें, और जब आता है ऐसे लीफ ऐसी मुड़ी मुड़ी सी होती है, अभी सारी ये ना नई लीफ आ रही है देखिए, फिर धीरे धीरे से खुलता है, बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो आप इस तरह से इसकी कटिंग लगा सकते हो, मिट्टी में कहीं भी आप लगा सकते हो। जो मेरी सारी ये कटिंग ही लगी हुई है, मैं ऐसे लगा देती हूँ, देखिए इसी में ये भी लगी हुई है मेरी, एग्लोनीमा की कटिंग भी लगी हुई है, और ये इसी में ये भी लगी हुई है सारी, और ये मेरे प्लांट बने हुए हैं, और ये इधर भी लगा हुआ है देखिए मेरा, इसमें भी लगा सकते हैं आप किसी भी सेरेमिक पॉट में, मैंने बताया ना लगा सकते हैं, बट इसमें वही है ध्यान दीजिएगा पानी ज़्यादा ना डालें, जब सूख जाए तभी डालिएगा, और ये सारी जो लीफ सूख जाती है ना इनको हटाते रहा करें। ये देखिए अब इस समय इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, देखिए ये देखिए नई नई सभी में पत्तियां आ रही हैं, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर इसमें जैसे अब मैंने मिट्टी अच्छी बना दी है, तो बहुत हैवी फीडर नहीं है क्योंकि पत्तियों वाला प्लांट है, क्योंकि इसमें ना फूल आने ना फल आने, तो बहुत ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं है। मैं साल में दो तीन बार डाल देती हूँ, काफ़ी होता है। जैसे मैंने इसमें फरवरी में डाल दिया था, मैं वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ या गोबर की खाद डाल देती हूँ, उसमें थोड़ी सी नीम खली मिला देती हूँ और उसको थोड़ा सा ना मिट्टी निकाल के डाल देती हूँ, तो स्लो रिलीजिंग होता है और धीरे धीरे वो उसमें एब्जॉर्ब होता रहता है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहती है। तो मैंने जैसे फरवरी में डाल दिया, मैं थोड़ा बारिश के जब होगी तब डालूंगी, अभी नहीं डाला है मैंने कुछ भी, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो इस समय अवॉइड करें किसी भी फर्टिलाइजर को डालने में, या फिर आप डालते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दीजिए, जैसे अनियन पील है, बनाना पील है, या काउडंग जो उपले होते हैं काउडंग के, वो भिगो दीजिए, चार पांच दिन के लिए भिगोया करें, एक दो दिन से नहीं होता है उसमें, क्योंकि गर्म
होते हैं तो फिर वो गर्माहट जो निकल जाती है, जो उनका प्रोसीजर होता है, फिर वो हेल्दी हो जाते हैं। तो उनको अगर एक उपला आपने भिगोया है तो उसमें, जैसे मैं तो एक बाल्टी पानी उसमें मिला देती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा सभी पौधों में डाल देती हूँ। तो वो फर्टिलाइजर आपके लिए, किसी भी पौधे के लिए फायदेमंद होता है, आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन उसको डालें तो शाम को डालें, महीने में एक बार डालें बस। और मतलब कोई और फर्टिलाइजर डाल रहे हो आप तो फिर उसको ना डालें। हर बार एक साथ सारे फर्टिलाइजर नहीं डाले जाते हैं, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक डाला है तो दूसरा फिर एक दो महीने बाद डालें। तो मैं तो जैसे 3-4 महीने में इसमें एक बार ही फर्टिलाइजर देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, देखिए इतना हेल्दी लीफ है और बहुत ही बड़े बड़े हैं पत्ते, ग्रीन हैं, इसकी बहुत अच्छे कलर आए हुए हैं। तो इसको ज़्यादा छेड़छाड़ पसंद नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि कई बार कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनको बहुत छेड़ना पसंद नहीं होता है और वो हेल्दी चलते रहते हैं। तो जहाँ रखा मैं उसको वहीं रखा। इस ये मेरा अभी ऊपर था, मैं इसको अभी नीचे उतार के लाई हूँ। ये मेरे नीचे रहते हैं, ये भी मेरा नीचे रहता है, ये मेरा ऊपर रखा हुआ था क्योंकि मैंने सारी कटिंग लगा के ऊपर रख दी थी। देखिए तो इस तरह से कितनी लंबी लंबी हो गई हैं, देख रहे हैं आप। तो वहीं रखा है, बस पानी सभी प्लांट में पड़ता है, इसमें पड़ता है। जब पानी डालें इसकी धुलाई कर दें, इसको पत्ते जैसे धुल जाते हैं, इसको बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी आप प्लांट को पानी डालते हैं, धुलाई करते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, प्लांट हेल्दी होता है, खुश होता है, उसको अच्छा लगता है। गर्मी में जैसे नहला दो तो बहुत सुंदर, मतलब उसको बहुत अच्छा फील होता है, तो उस ग्रोथ तेज़ी से पकड़ता है। इस चीज़ को हमेशा आप देखिएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो मैं आपको ये सीक्रेट चीज़ें बता रही हूँ। जब भी आप प्लांट में पानी डालो, ख़ास तौर से गर्मी में, तो या तो सुबह सुबह, दोपहरी में मत डाला करिए, या तो सुबह जब मतलब 6-7 बजे जब धूप नहीं कम होती है, धूप तब डाल लें 6 बजे के आसपास। इस समय तो 7 बजे बहुत तेज़ धूप निकल जाती है, या फिर शाम को डालें जब धूप चली जाती है तब, और तब धुलाई कर दें, बहुत अच्छा हेल्दी रहता है। और पेस्ट अटैक की बात करूं तो इसमें कीड़े अभी तक मैंने नहीं देखे हैं, आज तक नहीं देखे हैं, किसी भी मेरे पौधे कीड़े नहीं हैं। और अगर लगते हैं तो जैसे आप नीम ऑयल सभी पौधों में देते हैं, इसमें भी स्प्रे कर दें तो सेफ़ हो जाता है। अदरवाइज़ इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, वो अपने आप में ही, क्योंकि एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, इसमें कीड़े वैसे ही नहीं अटैक करते। इतने अच्छे इसमें फ्रेश एयर निकलती है, हवा को शुद्ध करता है, और इससे अच्छा क्या चाहिए। इसको रूट बाउंडिंग पसंद है तो इसको जल्दी जल्दी रिपोर्ट भी ना करें। तो जैसे ये अपने, जैसे ये काफ़ी टाइम से मेरे इसी पॉट में लगा हुआ, छोटे से पॉट में, देखिए, और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो धीरे से फैलता भी रहता है, साइडों से बढ़ता रहता है बहुत सारा। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं, जब तक आपका पॉट पूरा भरना जाए तब तक उसको रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप उसमें उसको उसी में रहने दें, खुश रहता है वो। कई बार होता ना, लोग कहते हैं हमारा सिंगोनियम ख़राब हो गया है, गल गया है, सूख गया है। तो क्या होता है ना, कई बार हम छोटे में लगाया फिर जल्दी जल्दी रिपोर्ट कर देते हैं, दूसरे में लगाया अगले साल की रिपोर्ट करना है, कहा कि हम रिपोर्ट कर दें। ऐसा नहीं है, अगर आपका प्लांट उसमें खुश है, अच्छा है, तो फिर क्यों रिपोर्ट करना, चलने दीजिए ना। और कटिंग लगानी है तो उसकी कटिंग आप ले लीजिए, उस मदर प्लांट को मत छेड़िए, दूसरी कटिंग लेके आप किसी और प्लांट में लगा दीजिए, और भी सारे प्लांट बन जाएंगे आपके, बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसकी कटिंग कभी भी लग जाती है, वैसे बारिश में फरवरी में तो लगती ही लगती है, वैसे आप पूरी साल कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हो, लग जाती। सर्दी में थोड़ा सा स्लो ग्रो होता है, ये हल्का सा डोरमेंसी टाइम होता है इसका। ऐसा नहीं है कि डोरमेंसी टाइम है तो सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उस टाइम थोड़ा पानी की मात्रा और कम कर दें, और ऐसी जगह रख दें थोड़ा सा जहाँ हल्की हल्की धूप आती हो, छन छन के, मतलब सुबह की धूप आती हो। मैंने अभी बताया, मैं तो गर्मी में भी सुबह की धूप में रखती हूँ, बहुत अच्छा चलता रहता, फिर मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरा प्लांट ख़राब होगा। तो सर्दी में भी स्लो हो जाएगी इसकी ग्रोथ, हो सकता है कुछ पत्तियाँ ख़राब हो जाए, पीली पड़ जाए, उनको हटाते रहिए, बाकी उसको मत छेड़िए, और आराम से चलता रहेगा। और फिर जैसे ही फरवरी आएगी और फिर से न्यू लीफ देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से इसका ध्यान रखें। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर किए होंगे। तो ये था आज का वीडियो सिंगोनियम के बारे में। तो आई होप आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जैसे कि मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।